हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मिल अफरीदी और आज हम बात करेंगे दुबई पर। दुबई पर ये हमारी पार्ट टू वीडियो है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड इन्फो और आज हम बात करेंगे दुनिया के डेवलप तरीन शहरों में से एक दुबई पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि दुनिया का सबसे डेवलप शहर आज दुबई है और क्यों, इसकी वजह सिर्फ तेल है। दुनिया में तीसरे नंबर पर दुबई सबसे ज्यादा तेल निकालता है। दुबई में अंदाजे के मुताबिक 4.5 ओलंपिक स्टेडियम जितना तेल रोजाना की बुनियाद पर निकाला जाता है। दुबई आज दुनिया का सबसे डेवलप शहर है और इसकी इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया का पहला 7-स्टार होटल बुर्ज-ए-अरब, जो दुनिया का 5वां बुलंद तरीन होटल है जिसमें 38% स्पेस खाली है, जो किसी भी होटल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी डिज्नीलैंड का नाम सुना होगा, इसी तरह डिज्नीलैंड को दुबई ने भी ऑफर की थी कि वो दुबई डिज्नीलैंड बनाए, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दुबई ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया जो डिज्नीलैंड से 3 गुना बड़ा होगा और उसका नाम दुबई लैंड होगा, जो साल 2020 के आखिर में मुकम्मल हो जाएगा। दुबई, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ट्रेडिंग मार्केटों में होता है, साल 2013 में दुनिया का 40% गोल्ड दुबई से खरीद व फरोख्त हुआ, जो कि 350 हाथियों से ज़्यादा वजन रखता है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट है जिसमें 250 से ज़्यादा दुकानें हैं। दुबई की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज-उल-खलीफा जो 90 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। दुबई को दुनिया का सबसे सेफ सिटी भी कहा जाता है, जिधर क्राइम रेट ना के मुकाबले है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दुबई में शरी कानून लागू होने की वजह है। दुबई में सबसे अनोखी बात यह है कि दुबई में 0% टैक्स है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दुबई में आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। दुनिया की 20% क्रेनें दुबई में काम कर रही हैं। दुबई में सबसे तेज़ी से तरक्की हो रही है और नई नई बिल्डिंगें कायम की जा रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेनें दुबई में अब काम कर रही हैं। माल ऑफ दुबई यानी दुबई माल में दुनिया का सबसे बड़ा स्नो पार्क है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर² है, जो सबसे बड़ा स्नो पार्क होने का एजाज़ हासिल कर चुका है। दुबई माल दुनिया का सबसे बड़ा माल होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है, जिसमें 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं। दुबई मेट्रो को सिर्फ 18 महीनों में मुकम्मल किया गया, जो 42 स्टेशनों पर मुश्तमिल है। द पाम जुमैरा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर है और इसको खला से भी देखा जा सकता है। ये दुनिया की दूसरी वाइड चीज़ है जिसको खला से देखा जा सकता है। पहली दीवारें चीन है और दूसरी पाम जुमैरा। प्रिंस टावर दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 4.4 मीटर है और दुबई की दूसरी बुलंद तरीन बिल्डिंग है। दुबई माल में दुनिया का सबसे पहला गोल्ड एटीएम बनाया गया, जिससे आप 26 कैरेट का प्योर सोना हासिल कर सकते हैं। इस एटीएम की खास सिक्योरिटी की जाती है, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक्य से बचने के लिए। दुबई में वीकेंड जुम्मे और हफ्ते को मनाया जाता है। लोगों को कुत्ते और बिल्ली पालने का शौक़ होता है, मगर दुबई के लोगों के शौक ही निराले हैं। इन लोगों को शेर और चीता पालने का शौक़ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाएँ, ताकि आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ से आगाह हो सकें। अगर आप किसी आर्टिस्ट, किसी साइंसदान, किसी स्पोर्ट्स पर्सन या किसी शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।